Hello student, in this lecture we want to solve the sum numerical based on the work done given in an exercise of a textbook. In last period we have been studied about the number of a formulas which are used while solving the numerical based on a work done. Ab yahan par calculate the work done during the synthesis of ammonia in which the volume changes from 8 cubic decimeter to 4 cubic decimeter at a constant external pressure of a 43 bar. तो यहाँ important point ख्याल में रखने का constant external pressure. अगर constant external pressure है तो pressure volume type work है और irreversible है. तो क्या दिया है data? पहले data क्या क्या दिया है निकालेंगे अपन. द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, तो वी वन कितना दिया है 8 dm³, उसके बाद में वी टू कितना दिया है दैट इज द 4 dm³, और द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है यहाँ पर 43 bar, और निकालने को बोला है अपने को वर्क डन. कैलकुलेशन, अब इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, पी एक्सटर्नल दिया है, तो टू कैलकुलेट W. अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला, दो फार्मूले अपने पास, दैट इज द W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, और दूसरा W मैक्सिमम. तो यहाँ पर द कंडीशन इज गिवन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से कौन सा फार्मूला यूज करने का, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन. ख्याल में आ गया, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब पी एक्सटर्नल कितना दिया है, दैट इज द माइनस 43 bar, वी टू दैट इज वी टू कितना दिया है 4 dm³ माइनस 8 dm³. इसको सॉल्व करने का माइनस 43 bar कितना आ गया, माइनस 4 dm³, माइनस माइनस प्लस, यार 43 मल्टीप्लाइड बाय 4 bar into dm³. A bar into dm³ that is called a joule. Bar into dm³ that is called a joule. लेकिन अपन ने देखा है bar multiplied by dm³ that is equal to 100 joule. कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 joule. तो कितना होता है फिर 43 multiplied by 4 multiplied by 100. This is the answer. It is in terms of a जूल एंड द साइन इज प्लस. साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर पॉजिटिव. तो यहाँ पर आगे पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन वर्क एनर्जी फ्लोज. इन व्हाट डायरेक्शन वर्क एनर्जी फ्लोज. इसके पहले भी देखा अपन ने, अगर समझो W निगेटिव आता है तो व्हाट हैपन, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग. वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग. और यहाँ पर आ गया W पॉजिटिव यानी वर्क डन क्या जाएगा फिर बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. तो W पॉजिटिव होने की वजह से वर्क एनर्जी किधर जाएगी फिर, वर्क एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द सिस्टम. समझ में आ गया, तो ये पॉइंट याद रखने का, अगर वर्क निगेटिव आता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग दैट इज द वर्क एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. यहाँ पॉजिटिव आ गया एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो वर्क एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग इनटू सिस्टम. तो ये हो गया वो पहला प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 पर 16 नंबर का. अब यहाँ पर सिमिलर दैट इज द टेक्स्ट बुक में का 88 पेज में का 10 नंबर का प्रॉब्लम. तो यहाँ पर कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन द ऑक्सीजन गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल है, ऑलरेडी मेंशन किया है. तो ये हो गया मैक्सिमम वर्क निकालना आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में. अब क्या क्या दिया है देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है अपने पास 24 ग्राम. जहाँ पर भी मास आ गया वहाँ पर मोलर मास जरूरी है,
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन या ओ इक्वल टू 16 दिया है, ओ इक्वल टू 16 का मतलब एटॉमिक मास इज गिवन, तो कितना आ जाएगा, इट इज अ डायटॉमिक, तो कितना हो गया यहाँ पर फिर 32 ग्राम पर मोल, कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, दैट इज द यूनिट ऑफ ए मोलर मास। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालने का नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद में प्रेशर चेंजेस दिया है फ्रॉम P1 दिया है 1.6 बार टू P2 दिया है यहाँ पर दैट इज द 1 बार, और टेम्परेचर दिया है यहाँ पर 298 केल्विन R की वैल्यू। अब यहाँ पर प्रेशर बार में दिया हुआ है, प्रेशर अगर बार में दिया है तो यूनिट R का जनरली टेकन इन जूल में, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी R की वैल्यू, एंड कैलकुलेट द वर्क मैक्सिमम। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास गिवन है, उसके ऊपर से फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एंड देन बाय पुटिंग द अदर वैल्यूज कैलकुलेट द वर्क मैक्सिमम। तो ये पॉइंट याद रखने का, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, तो सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज, तो सॉल्यूशन में अब नाउ कैलकुलेशन 1 टू कैलकुलेट n, पहले n निकालने का, तो n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास दिया यहाँ पर 24 ग्राम, मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 32 मोल। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इसको सॉल्व करने का। सेकंड इज टू कैलकुलेट द वर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क निकालना है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10, हियर प्रेशर इज चेंज, सो क्या आएगा पे, दैट इज द P1 अपॉन P2, पुटिंग द वैल्यू -2.303, n की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू लॉग टू द बेस 10 P1 दैट इज 1.6 बार डिवाइडेड बाय 1 बार। तो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स याद रखने का, द यूनिट ऑफ ए प्रेशर मस्ट बी सेम, दोनों का यूनिट क्या करने का, सिंक्रोनाइज करने का, क्योंकि यहाँ पर कैंसलेशन, तो क्या क्या कट हो जाएगा यहाँ पर, फिर बार बार कैंसिल हो गया, मोल कैंसिल हो गया, और उसके बाद में अपने टेम्परेचर ले लिखा यहाँ पर, टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, तो टेम्परेचर 298 केल्विन, तो ये केल्विन भी कैंसल हो गया यहाँ पर। नाउ दैट इज -2.303 24 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग टू द बेस 10 1.6 और यूनिट आ जाएगा जूल। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए लॉग हियर, अब यहाँ पर फार्मूला में ऑलरेडी लॉग ही है, तो लॉग ही निकालना, एंटी लॉग निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लॉग 1.6 की वैल्यू पुट अप करो और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, इट इज इन टर्म्स ऑफ ए जूल, कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल बाय मल्टीप्लाइंग 10^-3, तो ये होगा फाइनल आंसर, डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू दिस मच किलो जूल। तो ये पॉइंट याद रखने का, फिर से यहाँ पर बोला है एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल है, सो डब्ल्यू मैक्सिमम इज कैलकुलेटेड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए दिस एन आर टी और कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली यू कैन कैलकुलेट द वर्क मैक्सिमम। तो ये होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वर्क डन। ओके।